बरौदा हलके से जेजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक को बरौदा हलके में भारी जन समर्थन मिल रहा है। भूपेंद्र मलिक जिस भी गांव में जनसभा के लिए जा रहे हैं, उनकी जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग उन्हें कभी बाइक पर तो कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठा कर ले जा रहे हैं। इस दौरान भूपेंद्र मलिक ने अपनी जीत का दावा भी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के उम्मीदवार लगातार गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जन समर्थन हासिल करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बड़ौदा हलके से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक भी लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्हें लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोग उन्हें कभी बाइक पर बैठाकर तो कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठाकर ले जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान भूपेंद्र मलिक ने कहा कि दुष्यंत चौटाला द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र को लेकर वो गांव-गांव जा रहे हैं, वह लोगों को बता रहे हैं, जिससे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अब की बार जननायक जनता पार्टी को लेकर युवा वर्ग में सबसे भारी जोश है, क्योंकि हमारे नेता युवा है। भाई दुष्यंत चौटाला युवाओं के आज एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हैं। दुष्यंत चौटाला जो भावी सीएम बनने जा रहे हैं, युवाओं के लिए जिनका विजन है, जिसमें उन्होंने युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, युवा को जो आज बड़ी समस्या है बेरोजगारी की कैसे झेल रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए जो प्रोग्राम भाई दुष्यंत चौटाला लेके आए हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों और आदर्शों पर चल के जननायक जनता पार्टी ने जितना एक सीमित समय में आगे निकलने का काम किया, आज उसे देखते हुए आज तय हो गया कि लोगों में कितना जोश है। आने वाली सरकार जननायक जनता पार्टी की होगी। भूपेंद्र मलिक का कहना है कि यात्रा के दौरान खासकर युवाओं में अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार बड़ौदा और प्रदेश के युवा दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि बड़ौदा हलके के साथ हमेशा ही भेदभाव किया गया है, लेकिन इस बार बड़ौदा की जनता समझ चुकी है और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। सुनील जिंदल, टोटल न्यूज, बड़ौदा।